केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघ के संयुक्त आह्वान पर आज विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ सर कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल अभियान के साथ अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में सड़क पर उतर कर मार्च किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं, पूंजीपतियों के हक में मजदूरों के विरोध में, किसानों के जो खिलाफ 3 बिल पास किए हैं उसके समर्थन में, और ठेके प्रथा को समाप्त करवाने, ठेके में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करते हुए पक्का करने के लिए, समान काम समान वेतन देने के लिए, पुरानी पेंशन को बहाल करो, नई पेंशन स्कीम को समाप्त करवाने के लिए और विभागों में पक्की भर्ती करने के लिए, तमाम विभागों का जो निजीकरण है उस पर रोक लगाई जाए और विभागों का विस्तार किया जाए। देखो, सरकार का जो नज़रिया है वो कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल नकारात्मक है। हम लगातार सरकार को कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों का शोषणकारी नीति आप बना रहे हो उसको बंद कीजिए, महकमों को बेचना बंद करो, ठेका प्रथा समाप्त करो। ठेके में लगकर आज हमारा कर्मचारी पूरी तरह गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कर्मचारियों को भर्ती करो, और जो ये हमारा आंदोलन की बात है, हम लगातार आंदोलन पर हैं। सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो ये आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में चला जाएगा। पानीपत में भी किसानों के साथ कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर किसानों का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरे। इसके साथ सीटू के नेतृत्व में आशा वर्कर राष्ट्रव्यापी हड़ताल अभियान के साथ अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में सड़क पर मार्च करते हुए सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है, और उनका कहना है कि वो किसान की बेटी है, इस किसान विरोधी सरकार को खाट फेंकने का काम करेंगी। वहीं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व अन्य सरकारी कर्मचारी यूनियन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखे। आशा वर्कर प्रधान पिंगी का कहना है कि सरकार ने आशा वर्करों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया, साथ में वो किसान की बेटी है, आज किसान सभा के समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर सड़कों पर उतरे। जीने लायक नहीं, तो वेतन नहीं दिया जा रहा और तरह तरह के काम करवाए जा रहे हैं, कभी टीवी सर्वे, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन उसको एक न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। लेकिन किसान सभा को आप समर्थन दे रहे हो, क्या इसको लेकर के किस तरह से? हम किसान की बेटी भी है, पत्नी भी है, माए भी है, तो हम इस किसान विरोधी बिल का विरोध करते हैं और हम किसानों के साथ हैं। धन्यवाद। वहीं यमुनानगर में भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों के सैकड़ों कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की कर्मचारी किसान मजदूर व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है, ऐसे में सभी कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि आज किसानों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, आज अन्नदाता सड़कों पर उतरे हैं और सरकार अन्नदाताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, इसलिए आज सभी कर्मचारी किसानों के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण शहर में एक विरोध यात्रा निकाली गई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज पूरे देश के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर हैं। यमुनानगर में भी हम यहाँ पर इंटक, एटक, सीटू, सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ और बहुत से जन संगठन इसमें हड़ताल में शामिल हैं। ये हड़ताल वास्तव में जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उन नीतियों के विरोध में है। केंद्र सरकार जो वर्तमान में जो मौजूदा है, इन्होंने वायदे किए थे, रोजगार का वायदा किया था, ये जो महंगाई रोकने का वायदा किया था, भ्रष्टाचार रोकने का वायदा किया था,
इन्होंने कहा था कि ये जो बेरोजगारी है इसको हम दूर करेंगे, नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं ये, वो शिक्षा नीति किसके लिए। तो हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे वो पहली टर्म थे, पहली टर्म में लोगों ने कुछ उम्मीद जची थी कि कुछ करेंगे, और अब दूसरी टर्म में भी जो इन्होंने वायदे किए थे, वास्तव में इनके सारे वायदे जो थे वो जुमले साबित हुए हैं। अब इन्होंने जो भी नीतियाँ लागू की हैं, पहली नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर जो और भी जो इन्होंने नीतियाँ लेके आए हैं, वो सारे की सारी देश विरोधी, जन विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी हैं।